चौकटा सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि इट इज अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन एज वेल। फ्रॉम 360 डिग्रीज चौकटा इज सराउंडेड बाय डिफरेंट पीक्स ऑफ हिमालयस। नमस्ते, दिस इज योर बॉय यतिगौर और आप देख रहे हैं द अनफोल्डिंग प्ले। आगे जाने से पहले प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। मैं गुप्त काशी से चौपटा सिर्फ बॉर्डर लाइन तक पहुंचा था, मुझे अभी भी मार्केट या मेन प्लेस जो चौपटा की थी, जो एरिया था, वहां तक जाने के लिए अभी भी 1.5 to 2 किलोमीटर पैदल चलना था। चौपटा और उसके आसपास के एरिया में मॉर्निंग हाइक लेना इज अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एक्टिविटी टू योर बॉडी एंड माइंड। एंड चौपटा ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में ऊपर पहुंच गया था, बट मुझे आसपास कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, बिकॉज चौपटा जो है वो एक्चुअली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है और वहां पे कैंप करना विदाउट परमिशन, स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना वहां पे कैंप करना इज एक्चुअली अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर चौपटा में विदाउट परमिशन कैंप किया जाए तो 5,000 रुपए का जुर्माना है, पर उस एरिया में कैंपिंग करने के लिए परमिशन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही दे सकता है। तो बिकॉज मेरे पास परमिशन नहीं थी और मैं उस टाइम पे परमिशन ले भी नहीं सकता था, तो चौपटा में कैंप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने आसपास काफी जगह पता किया तो मोक्षा कैफे वो एक जगह थी जहां पे मुझे रुकने का मौका मिला। मोक्षा कैफे चौपटा मेन मार्केट एरिया में आता है, तो मैंने वहां पे ओनर्स को बताया कि मैं ऑल इंडिया वॉक कर रहा हूँ और मैं वहां पे रात को स्टे करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे पास परमिशन नहीं है रहने की। एंड थैंकफुली मुझे ओनर्स ने मोक्षा में रुकने का मौका दिया। मोक्षा कैफे तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, एक छोटा सा एक कैफे है, बट अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड अ वंडरफुल कैफे। और मैं उस टाइम पे स्टाफ के साथ कैफे में अंदर ही सोता था जब रात को गेस्ट चले जाते थे। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई एवर हैड। और अगर आप कभी भी चौपटा जाते हो तो आई थिंक मोक्षा कैफे इज अ मस्ट विजिट प्लेस, जो आपको जानी चाहिए। मोक्षा कैफे के पास अपने अवेलेबल रूम्स भी हैं रहने के लिए और थोड़े बहुत और ऐसे होम स्टेज अवेलेबल हैं जहां पे टूरिस्ट स्टे कर सकता है, बट बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और मेरे थोड़े बजट इश्यूज थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रादर टेकिंग अ रूम मैं कैफे में ही रुकूंगा। बट वेन इट कम्स टू चौपटा, चौपटा इज एन अमेजिंग अमेजिंग प्लेस। 360 डिग्री सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड पीक माउंटेन्स एंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। चौपटा वो जगह है जहां से तुंगनाथ, चंद्रशिला, गौरीशिला और रावणशिला का ट्रैक चालू होता है 2,709 मीटर्स अबव द सी लेवल। चौपटा इज अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट राइट बिफोर विंटर्स। इवन दो विंटर्स में चौपटा काफी सुंदर होता है और स्नो से कवर्ड होता है, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टे देयर बिकॉज टेम्परेचर -15 तक ड्रॉप कर जाता है। चौपटा इज ऑल्सो अ प्लेस जहां से त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा पीक्स जैसी पीक्स दिखाई देती हैं। इनफैक्ट नंदा देवी का पूरा शोल्डर जो बेल्ट है वो चौपटा से आप देख सकते हो। एक और फैक्ट जो चौपटा के बारे में काफी इंटरेस्टिंग है, दिस प्लेस इज अ हेवन फॉर बर्ड वॉचर्स और बर्ड फोटोग्राफर्स। काफी ऐसी बर्ड्स हैं जो उस हिमालयन रीजन में माइग्रेट करती हैं, एंड इफ यू आर अ बर्ड लवर और अ बर्ड फोटोग्राफर देन आई थिंक दैट प्लेस इज अ मस्ट गो प्लेस। चौपटा इंजॉय करने के बाद, वो पूरा व्यू देखने के बाद टाइम था कि मैं और ऊपर जाऊं और मैं विजिट करूं तुंगनाथ और चंद्रशिला। बट मैं तुंगनाथ कैसे पहुंचा, वहां जाके मैंने क्या देखा और क्या सीखा, ये मैं आपको बताऊंगा कल आपके 5 मिनट लेके। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। सी यू नेक्स्ट टाइम।